एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हर्बेरियम के बारे में. ओके, सो आई होप आप इस वर्ड से फैमिलियर ही होंगे. आई थिंक जब हम लोग 11th क्लास में होते हैं, या 11th क्लास में टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं आपको ये हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए. तो क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाई जाती है, ठीक है, एंड और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू इट. ठीक है, तो बेसिकली हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, फिर उसको एक अच्छे से सुखा के उसको प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं शीट्स के ऊपर, ताकि हम लोग आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी स्पीसीज है जो ख़त्म भी हो जाएं, तो भी हम उनके बारे में जानकारी दे सकें आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन को. ठीक है, एंड उनको फिर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं शीट्स पे, एंड उनका पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखते हैं कि, और मतलब उसका पूरा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने इसको कलेक्ट करा, या किसने इसकी नेमिंग वगैरह करी. ठीक है, ऑल जितने भी पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड, हम लोग एक तरीके से इसको एक ही जगह पर एक्यूमुलेट कर हर्बेरियम में हम लोग इसको रखते हैं. ठीक है, तो हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ से जो हमने स्पेसिमेन लिए होते हैं, प्लांट्स लिए होते हैं, उनको ड्राई करके प्रिजर्व करके माउंट करते हैं, और उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े हर्बेरियम स्टोर्स होते हैं हमारे, जैसे बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, उसी के विद इन बहुत सारे हर्बेरियम फाइल्स जो कि अभी बनाई जाती है, और उन्हीं को स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, बेसिकली एक पूरा ना पेपर आता है. ठीक है, अगर आपने बनाई होंगी हर्बेरियम फाइल पहले, तो आपको पता होगा एक हर्बेरियम का शीट आता है, यूजुअल A4 साइज से, तो वो काफ़ी बड़ा होता है, एंड उसके अंदर ना डिटेल्स भी फिल करने के लिए दी होती हैं, जैसे नेम ऑफ द कलेक्टर की, जिस बंदे ने इसको कलेक्ट करा है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है पूरा, वो सब भी उसके अंदर लिखा रहता है. ठीक है, एंड आई रिमेंबर जब हम लोग ने 11th क्लास में इसको बनाया था, तो इसमें ना देखिए एक चीज़ होती है कि, मतलब ना ऐसे जो कि हल्के फुल्के होते हैं ना प्लांट्स के स्पेसिमेन, वही वाले कलेक्ट करने चाहिए जो पोर्टेबल हो, इजी से आप लोग उसको कैरी कर सको. ठीक है, आई रिमेंबर मैंने एलोवेरा की, उसको एलोवेरा की जो स्टेम होती है उसको मैंने प्रेस होने के लिए रख दिया था, एंड मीन्स ऐसे नोटबुक में, आई थिंक या मोटी सी नोटबुक थी उसके अंदर रख दिया था, बट वो इतना ज़्यादा फ्लैशी था कि वो नोटबुक को ख़राब कर देगा, लेकिन वो सूखने, मतलब नहीं, उसके अंदर का जितना मॉइस्चर कंटेंट है सुखा ही नहीं सकता कोई ना, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, एंड टाइम से पहले वो ख़राब हो जाता है. ठीक है ना, डीके होने लग जाता है वो. तो इस तरीके के हम लोग जो फ्लैशी स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, 4% फॉर्मेलिन के अंदर रखते हैं. ठीक है ना, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर रखते हैं, एंड बल्कि प्लांट जो है, अब बहुत बड़ा प्लांट है, अगर उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर हम लोग उसको स्पेशल बॉक्सेस के अंदर हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, हर्बेरियम हो जाता है जब हम लोग किसके प्लांट्स के लिए ही स्पेशली बात करेंगे, प्लांट को स्टोर करने की बात करेंगे. ठीक है, प्लांट के स्पेसिमेन की स्टोरेज की बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि जूलॉजिकल लेबोरेटरीज में हम लोग एनिमल का प्रिजर्वेशन भी देखते हैं, उनको तो हम लोग पूरे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डालकर ही, फॉर्मेलिन के अंदर ही रखते हैं हम लोग उनको. ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पर हर्बेरियम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड ही बात करते हैं. ठीक है, एंड यहीं पर बस और इतनी सी चीज़ें हैं इसके अंदर, बस उसके बस डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर्स वगैरह, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल रेंज, इसकी क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ये सब चीज़ उसके अंदर हम लोग फिल करते हैं. ठीक है, हर्बेरियम के अंदर अब इसके फंक्शंस क्या क्या है. ठीक है, देखिए इसके एक पहला फंक्शन तो हो जाएगा कि प्लांट के स्पेसिमेन अब वो परमानेंटली स्टोर हो चुके हैं एक तरीके से. ठीक है ना, अब वो दूसरों को सोर्स की तरह, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दूसरों के लिए. ठीक है, अगर किसी को जानना है प्लांट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, ठीक है, उसके यूजेस के बारे में, तो हम लोग उससे जान सकते हैं. ठीक है, एंड दूसरा यूज हो जाएगा कि हम लोगों को अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, अब लेट से हमने मैग्निफेरा इंडिका, जैसे कि हमारे पास हो गया मैंगो की, हम लोग ने सीड ले ली. ठीक है, हम लोग ने सीड नहीं, बेसिकली लीव्स मान लीजिए, हम लोग ने उसको लेकर के रखी है हर्बेरियम के अंदर. ठीक है, तो अब उसका नेम क्या है, उसका मीन्स जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, सब हम लोगों को एक ही जगह पर मिल जाएगा. ठीक है, दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, तो दूसरा फंक्शन का यही हो जाएगा, ऑल द डाटा एक ही प्लेस पर हम लोगों को गैदर्ड मिल जाता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा कि इसके जितने भी स्पेसिमेन हैं वो टैक्सोनॉमिक रिसर्च और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा जो पैलियोनोलॉजिकल स्टडीज, सॉरी, ठीक है, उस स्टडीज़ में भी हम लोगों को ये हेल्प करता है. ठीक है, बहुत सारी इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है,
ठीक है, बिकॉज इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, उनको भी, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले सकते हैं हर्बेरियम के थ्रू, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे यंग साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो आगे जाकर फ्यूचर में R&D में काम करना चाहते हैं, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए भी ये एक तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर सकता है ये, ठीक है। एंड हमारी लोकेलिटी में एंड हैबिटेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है इनसे, ठीक है। हर्बेरिया जो कि होता है वो प्रिजर्व करके रखता है स्पेसिमेंस को, और वो एक तरीके से कंजर्वेटरी मटेरियल का और डाटा का काम करता है, ठीक है। और ये अगला ये पॉइंट हो जाएगा कि हम लोगों को वो स्टडी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की स्टडी भी में भी हेल्प करेगा, जैसे कि जेनेटिक्स हो गई, कीमोटैक्सोनॉमी हो गई, ठीक है ना, तो उसमें स्टडीज़ में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफाइन कर रखा है, हर्बेरियम स्पेसिमेंस आर परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी, देयरफॉर द प्लांट शुड बी सिलेक्टेड कलेक्टेड एंड हर्बेरियम स्पेसिमेंस शुड बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोगों को, क्या क्या फील्ड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इसको अगर हम लोगों को प्रिजर्व करना है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास फील्ड प्रेस, ब्लॉटर्स, ड्रायर्स हो गए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनको हम लोग नहीं सुखा सकते, तो उनको हम लोग इधर ड्रायर वगैरह की मदद से भी सुखा सकते हैं, ठीक है। शीट्स हो गई, स्ट्रैप और रोप्स हो गए, कंटेनर हो गए, ठीक है। अब बहुत से कोई कोई ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोगों को, जैसे फ्लैशी हो गए, जो फ्लैशी प्लांट्स होते हैं उनको हम लोगों को, जैसे लिक्विड प्रिजर्वेटिव चाहिए उनके लिए, कंटेनर चाहिए होगा, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस हो गए, कैमरा हो गया, फील्ड नोटबुक हो गई, ठीक है, अदर फील्ड इक्विपमेंट्स, एज पर द रिक्वायरमेंट जितने भी नीडेड इक्विपमेंट्स होंगे हम लोग ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्पेसिमेंस टू बी कलेक्टेड, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कोई भी ऐसा मरियल सा सूखा सा स्टैम्प ले लो जिसमें कोई जान नहीं है, जो पिस्टुलर अंदर से होल हुआ है, ठीक है, जिसका कुछ उसका खुद का ही कोई यूज़ नहीं होगा, तो आगे जाके जनरेशन को क्या ही मतलब इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो जो भी आप स्पेसिमेन लोगे वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना, मरियल सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसा प्लांट है जो रेयर बचा है, ये नहीं उसको आप तोड़ करके ले आओ कि हाँ हम लोग इसको प्रिजर्व करने में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप तो फिर उस बच्चे कुचे को आप लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं ना, ऐसा नहीं करना है। उसकी आप पिक्चर ले सकते हो, फिर आप लोग हर्बेरियम उसमें उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला हमारे पास आ जाएगा प्रेसिंग ऑफ द स्पेसिमेन। प्रेसिंग किस तरीके से करी जाती है, ठीक है। प्रेसिंग देखिए, जैसे ही हम लोग ने, जैसे कोई हम लोग हेल्दी से प्लांट तोड़ करके लाए, ठीक है, उसका स्टेम या लीव्स वगैरह तोड़ करके लाए, ठीक है, तो आप उसी टाइम पे उसको जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप लोग उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। किसी आप लोग न्यूज़पेपर में कर सकते हैं, या कोई मोटी नोटबुक में, किताब में, ठीक है, शीट में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। एंड कभी ऐसे जो बड़े बड़े जैसे कोई स्पेसिमेन है, ठीक है, तो उसको हम लोग ना जैसे वी शेप में, ठीक है, कि वो ताकि एक ही पूरे शीट में पूरा आ जाए, एंड या फिर एम शेप के अंदर हम लोग उसको रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर डिटेल्स भी होनी चाहिए, उसी टाइम पे आप लोग लिख लीजिए, बिकॉज आप लेट से आप लोग फर्स्ट डे में आप एक चीज़ कलेक्ट करके लाए, उसके सामने जिस जगह पे आप उसको रख रहे हो थोड़ा सा उसके बारे में लिख लीजिए, डिटेल लिख लीजिए कि हाँ मैंने पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से कलेक्ट करी है, इसका ये इंपॉर्टेंस है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, जितनी सी भी चीज़ें हैं। ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है, याद अगर नेचुरली हम लोग बात करें कि ड्राइंग के लिए, तो हम लोग वेट करते हैं यूजुअली कि कभी ये ड्राई होगा एंड कब हम लोग इसको फिर पेस्ट वगैरह करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल ड्रायर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन, तो इसके लिए हमारे पास हर्बेरियम शीट आती है, मार्केट में भी इसी नाम से अवेलेबल होती है, ठीक है, वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा वो होती है, यहाँ पर देखिए साइज़ भी लिखा हुआ है इसका, ठीक है। बिफोर माउंटिंग जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से भी, या फिर इथाइल क्लोराइड सॉल्यूशन से भी हम लोग उसको ट्रीट करके रख सकते हैं, या फिर कोई और अदर पॉइजनस सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे हम लोग अगर जैसे हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसी मतलब ऐसी वाली होती है हमारी, इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली नहीं होती है, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हो गया, कॉलेज के स्टूडेंट्स, इवन दिस ईयर हमें भी मैम ने बोला था बनाने के लिए, बट बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशंस हम लोग नहीं बना पाए, ठीक है। तो हम लोग जो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक हम लोग चाहते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड जो कि मतलब यंग साइंटिस्ट वगैरह हैं वो बनाते हैं अगर, तो उनको बहुत ही स्टैंडर्ड वाले बनाने पड़ते हैं, तो वो जितना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा कंडीशंस को वो फॉलो करके बनाएंगे, तो उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, उतनी गुड क्वालिटी निकल करके आएगी, ठीक है। तो ये है लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेंस,
मतलब हर एक हर्बेरियम शूट है उसको आप लोग लेबल करके रखिए, ठीक है, फैमिली जीनस स्पेसीज इसका जितना भी चीज़ें आप लोग सब इसका नेम लिखिए, कहाँ से कलेक्ट करा है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसीमेन, स्पेसीमेन आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट फ्लोरा मोनोग्राफ्स एट्सेट्रा, ठीक है। स्पेसीमेंस कैन बी सेंड टू द स्पेशलिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग भेज भी सकते हैं। फाइलिंग ऑफ द स्पेसीमेन, द आइडेंटिफाइड स्पेसीमेंस आर अरेंज इन अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग पता है ना हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम यूज़ करते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन वाला हम लोग यूज़ करते हैं। एंड कैप्ट इन पीजन बॉक्सेस इन वुडन और स्टील अलमीरा, ठीक है। इनको जब ये मतलब अब स्पेसीमेंस वगैरह अब जितने भी हम लोग ने बना लिए, लेट्स से हम लोग ने एक हर्बेरियम फाइल बना लिए, ठीक है, तो उसको या तो अलमीरा में रख देते हैं या फिर हम लोग उसको किस में रख देते हैं, पीजन बॉक्सेस वुडन में रखते हैं, ठीक है, पीजन वुडन बॉक्स में रखते हैं। मेंटेनेंस किस तरीके से करा जाता है, जो जिस जगह पे हम लोग इनको रखते हैं वो वेल एरेटेड होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा गर्माहट वगैरह ना हो, बिकॉज वो ज़्यादा टेम्परेचर में होगा तो वो ख़राब होने का उसका डर रहता है, ठीक है। हर्बेरियम को उसको हम लोग जैसे टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना पड़ता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, क्या कोई ऐसी फाइल्स तो नहीं है जो हमारा, क्या कोई ऐसा डाटा तो नहीं जो ख़राब हो चुका है, जिस किसी में फंगस लग गया या कुछ और, तो उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर उसको फिर डिस्प्लेस करा जाता है, ठीक है, उसके सब्सटीट्यूट कर जाता है अलग चीज़ से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है इंडिया, इंडिया में हमारे पास कहाँ कहाँ पे हर्बेरियम है, ठीक है। फर्स्ट आती है हमारे पास हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में, ठीक है, 1787 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। इसके पास अराउंड 2500,000 स्पेसिमेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड इसके अंदर मेनली क्या है, फिनेरो गेम्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास क्रिप्टो गेम्स, एक होते हैं फिनेरो गेम्स, ठीक है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, एंड फर्न्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। सेकंड है जैसे हमारे पास हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून, ये 1890 में इसको फाउंड करा गया था, ठीक है, एंड बाद में इसको एमलगेट कर दिया गया था विद द सहारनपुर, मतलब इसको बाद में जोड़ दिया गया था सहारनपुर हर्बेरियम के साथ 1908 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन, अभी हम लोग उसको NBRI बोलते हैं, जो कि लखनऊ में, इसको भी 1948 में इस्टेब्लिश करा गया था। ज़्यादा नहीं, आप लोग उस नेम्स भी इसके पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है ना, इसमें क्योंकि उसका नंबर लिखा है, अमाउंट लिखा है स्पेसिमेन के, उससे हमें इतना कुछ है नहीं, बस आप लोग 3-4 एग्जांपल्स लर्न कर लीजिए इसके कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। हर्बेरियम ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कलकत्ता में है, उसके भी मतलब इन्होंने पर्टिकुलर लिख रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से हर्बेरियम इन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं, ठीक है, सब कैटेगरीज हैं। लास्ट हमारे पास आता है हर्बेरिया ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम जो कि कलकत्ता में है, ठीक है, 1887 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। लास्ट है हमारे पास हर्बेरिया ऑफ डिफरेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी है जिन्होंने अपने उनके वहाँ पे विदिन उन्होंने हर्बेरिया रखे हुए, जैसे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, ठीक है, जो कि यूपी में, आई थिंक। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।